परमेश्वर ने विशेष मकसद से अपने करीब बुलाया है। जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने प्रभु की बुलाहट को ठुकरा दिया, और जो आ गए वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या मामले में उद्धार दिया है। यही एक अंधेरा है, और इस स्कूल के अंदर हम आपको आपकी बुलाहट के उजियाले से अवगत कराएंगे। इन दिनों में आपके दिल के अंदर एक दीप जलाया जाएगा। इस दीपक के अंदर दीप जलाए जाने के अंतर्गत हमें मालूम होगा कि कौन से बात के लिए परमेश्वर पिता ने हमको उद्धार दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती के अंदर इसलिए नहीं भेजा कि आप उद्धार पा लें और अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। यदि परमेश्वर को किसी व्यक्ति को स्वर्ग ले जाना है, अनंत जीवन देना है, तो उसको कसरत करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही मिनट में कहे खुल जा सिम सिम, एक ही दिन में उसने फिरौन की राज्य में लोगों को प्रेम से भर दिया। उन्होंने ना अपने कान के बाले और गले के जितने भी हार वगैरह थे ना, पैर की पैजन, सब उतार उतार करके अपने बदन में जो पहना था वो छोड़ करके घर की पूरी अलमारी खाली करके ना इसराइलियों को दे दिया। राजाओं का मन परमेश्वर की मुट्ठी में रहता है, तो वह जिसको चाहे बदल देता, और जो बदल गया होता तो वह अनंत जीवन का वारिसदार हो जाता। परंतु परमेश्वर बदलने का काम और स्वर्ग ले जाने के काम में ज्यादा रुचि नहीं करता है। परंतु परमेश्वर ने इस धरती के अंदर हमको स्वर्ग ले जाने के लिए उद्धार नहीं दिया, वरन वह उस उद्देश्य को जो उसके दिल के अंदर पाया जाता है, उस उद्देश्य को वह हमारे जीवन के अंदर प्रकट करके वह दिखाना चाहता है कि मैं हूं कौन। He wants to introduce himself through revealing his divine plan so the world may acknowledge the divine plan through our life. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना परिचय देना चाहते हैं। वो तुम्हें स्वर्ग ले जाने की विशेष मंशा नहीं रखता है, वो तो बहुत बात की बात है। The eternal life is the last final destiny in the heart of God for every man and woman, those who live in the face of this earth. याद रखिए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, एक बात और हम हल्की सी बता दें, इस पर ज्यादा जोर मत देना, प्रभु परमेश्वर बहुत कम लोगों को नरक भेजेगा। प्रभु परमेश्वर बहुत कम लोगों को नरक भेजेगा, वो उसकी मजबूरी होगी। हाँ, ज्यादातर आत्माओं को परमेश्वर किसी न किसी तरीके से ठोक के, बजा के, मार के, बिस्तर में डाल के, लंगड़ा बना के, एक्सीडेंट बना के, नहीं तो सुअरों की फल्ली में नौकरी दे देगा। डुक्कर खाती वो खाओ, तब तो आओगे अपने आपे में। याद रखिएगा, उसके पास अलग अलग अनेक तरीके हैं। वह नाक में नली लगा के हॉस्पिटल में मौत के साये में होकर के बात कहेगा, और आप निकल के एक बार आ गए उसी समय कह लीजिएगा, प्रभु एक बार जीवन दे दे, कसम तेरी मेरी, मैं आदमी जैसे जीऊंगा। प्रभु पहले से समझा रहा था तो नहीं समझा क्या? क्या करिएगा? उसको मालूम है कैसे बदलना है इंसान। साउल जैसे आदमी को घोड़े से गिरा के ना मोतियाबिंद की बीमारी इनाम देने के बाद में फिर उसको सही रास्ते पर लिया है, उसको आइडिया है कैसे बदलते हैं। बात यह नहीं है कि वह हमें अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, बात यह है कि वह अपना अदृश्य रूप हमारे अंदर प्रकट करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि मेरा भी वजूद है। यदि कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से परमेश्वर को समझने के प्रयास में लग जाए, तो मेरा मानना है परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करने में देरी नहीं करेगा। हम सेवकों को परमेश्वर ने
सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं चुना है, ये तो बिलाम का गधा भी प्रचार कर लेता है। बिना बीएचडी और बिना बीटीएच एमटीएस सीटीएच के बिलाम का गधा भी बोल देता है बाइबिल आदमी की भाषा में। अमुख जानवर से यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहां याद रखना चाहिए कि प्रभु ने हमारा चुनाव किया है, और जो उसके चुनाव को नहीं जानते हैं यही है अंधेरा, जो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचानते हैं यही है अंधेरा। अंधेरा कि हम उसके दिल में मेरे लिए क्या है कि मैं करूं, और यदि मैं वो नहीं कर रहा हूं तो मैं अंधेरे में हूं। भले मैं ढोल बजाऊं, प्रचार करूं, पर्चा बांटूं, अन्य भाषा बोलूं, वो जो कुछ भी मुझे करना है का जो कुछ भी मैं कर रहा हूं करते रहूं, इट इज गुड, वो करते रहना है, परंतु इससे हटके परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, उस बात को वह हमारे दिल के अंदर प्रकट कर दे और हम उसके नक्श कदम पर चल पड़े। और जिस परिचय के लिए प्रभु ने हमको धरती पर भेजा है, उसने हमको नर्स बनाने, डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, पास्टर बनाने, मास्टर बनाने नहीं भेजा है, ये सब सारी बिजनेस है। परंतु जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको मनुष्य बनाया, उस उद्देश्य को समझना, नहीं समझना अंधेरा है, उसको समझ जाना उजियाला है। जैसे दीपक जला और उजियाला आ गया, इसी तरीके से हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा दूर करने के लिए परमेश्वर ज्ञान की ज्योति जलाना चाहता है। यशया और उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद, बुक ऑफ आइज़या चैप्टर 5 एंड वर्स 13, वहां लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसकी प्रतिष्ठित लोग भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। हमारे पीछे बोलिए, इसलिए, इसलिए अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, बंधुआई में जाती है। अब एक बात याद रखिए, वो उसकी प्रजा है, they all are the chosen people of God. God has adopted them as a children of God. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, परंतु उसके दिल की बात, उसके जो दिल में आपके लिए है ना, वो नहीं मालूम रहने के कारण वो वाली अज्ञानता, बाइबिल की अज्ञानता नहीं है बाबा। बाइबिल घर में पढ़िए, यहां क्यों आए हो, घर में भी तो आप पढ़ा जा सकता है। और आजकल बहुत से स्कूल हैं तुमको बीटीएच एमटीएच डिग्री घर में ही दे देते हैं, नहीं तो 3000 ए और बीटीएच की डिग्री ले भले कुछ ना आए, और 5000 फिर 8वीं क्लास डॉक्टर बन जाए भले इंजेक्शन लगा के ना आए, है ना। आज बहुत से डॉक्टर धरती पर हैं, वो डॉक्टरी करते हैं, डॉक्टर फलाना फलाना, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ को देख के भीड़ में चढ़ गया। डॉक्टर लगी कोई बात। इसके बाद में यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य के पहले धन्यवाद देते हैं, यहूदा मरने से पहले प्रकाशित, यहूदा मरने से पहले यहूदा की पत्री लिख गया। अब उनको मालूम है नहीं कौन सा यहूदा लिखा और कौन सा यहूदा फांसी पर चढ़ा। डॉक्टर साहब, ये सब जो है अपने मनोरंजन के साधन है, धरती पर अपनी धाक जमाने के लिए है, सो इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा।
देखो बाइबल पढ़ के तो आप जो है ना बहुत कुछ घर बैठे डिग्री ले सकते हैं, परंतु बात बाइबल के ज्ञान की नहीं है, बात बाइबल के परमेश्वर के दिल में आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या मामला है उसको जानना, यह है उजियाला। यही है अज्ञानता, उसके दिल की बात को ना समझना। बाइबल की बात तो सब समझते हैं, परंतु उसके दिल की बात कौन समझता है? यही बाइबल कहती, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। मेरे वचन की ज्ञान और अज्ञानता नहीं है, मगर मेरे अंदर में जो तुम्हारे लिए महान योजना है, उस योजना की अज्ञानता इंसान को बंधुआई में ले जाती है। आपको बहुत बारीकी से सुनना होगा, बात सुनने में ही है। अज्ञानता, परमेश्वर की बुलाहट। आज हमारे पास परमेश्वर ने इतने अंदाज और अनुभव दिए हैं, हिंदी भाषा में इतना ज्ञान दिया है, जो धरती के अंदर इरले बिरले लोगों के बीच में होगा, इरले बिरले लोगों के बीच में होगा। परंतु ये सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा कि तू इस गांव को मत छोड़ना, हम दुबई से इससे कम समय में आ जाते हैं, उससे ज्यादा समय नागपुर से यहां आने के लिए लगता है। सैकड़ों लोगों ने कहा नागपुर में यदि एक फ्लैट ले लें तो प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, फलानी जगह में आप कलीसिया बनाएं। अभी हम बीते दिनों में अमेरिका गए तो अमेरिका के लोग कहने लगे आप तो इंडिया छोड़ो, अमेरिका आ जाओ। मैं बोला लंगड़ा हो जाऊंगा यहाँ। अभी हम सिंगापुर में गए तो सिंगापुर के बहुत से लोग कहने लगे आप सिंगापुर में माइग्रेट हो जाइए। मैं बोला भारत में ज्यादा भूत हैं, यह कम है, इंडिया में निपटाने फिर आते हैं। तो हम दर्शन पर खड़े हुए हैं। आई नो What is the heartbeat of God for me? I know His thoughts. और उस विचार के कारण हम आज शरीर में, मन में, आत्मा में थकते नहीं, दिन दौड़ते, रात दौड़ते, अपनी उम्र भूल जाते, अपनी स्थिति भूल जाते, अपने परिवार और बाल और बच्चों को भूल जाते, सच्चाई पर खड़े रहने के लिए हमने दुनिया से टकरा लिया। ये वो बुलाहट है जिसको पूरा करने के लिए कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु सफलता वही है। कई लोग हमारे साथ दौड़े थे, उनका आता भी नहीं है, पता भी नहीं। हमसे ज्यादा पावरफुल थे, हमसे ज्यादा ट्रेंड थे, हमसे ज्यादा अभिषिक्त थे, पर हमारा छकड़ा, हमारी बैल बंडी बीते 40 सालों से जो चल रही है टुन 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 करके, उसमें ब्रेक नहीं लगा और बैलगाड़ी पंचर होती नहीं। तुमको डर रहे कांटे और कीड़े का, अब हम तो भैया कीचड़ हो गया गड्ढा हो, चले धकड़ 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 धकड़, इसमें स्प्रिंग नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। इसलिए तो आप देखते हो जहां जाइए वहां अंकल जी को पाइए। बैल बंडी कुछ ऐसी रहती है। कहने का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर बंधुआई से स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक रास्ते का चुनाव किया है, और वो रास्ता यह है कि परमेश्वर के दिल में मेरे मामले में, व्यक्तिगत मामले में, मेरी सेवा के मामले में परमेश्वर ने कौन कौन सी बात रखी, यही मेरी स्वतंत्रता की चाबी है। मेरी बात को सुनना, जिस दिन आप अपना दर्शन का बहिष्कार करेंगे, जिस दिन आप अपनी बुलाहट का बहिष्कार करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के दिल की धड़कन के मामले में सुस्त हो जाएंगे, उस दिन बंधुआइयां तुम्हारे घर के चक्कर काटने लगेंगी। रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। स्वतंत्रता का आधार उसकी बुलाहट पर खड़े रहे हैं। आज मुझे कोई बीमारी नहीं, न घुटना दुखे, न कमर दुखे, न ब्लड प्रेशर है, न शुगर, न स्टमक प्रेशर है, न मेंटल प्रेशर है। ये प्रेशरों की दुनिया से हम बहुत दूर हैं। मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर यदि मुझे अपनी बुलाहट में खड़ा हुआ देखता है तो मेरे करीब में आके कहता है बहुत अच्छा, आई लव यू, तेरे साथ चलने में मजा आता है। मेरी स्वतंत्रता का रहस्य यही है।
याद रखिए, अज्ञानता के कारण लोग बनवाई में जाते हैं। बाइबल के ज्ञान की कमी नहीं, परमेश्वर के दिल में आपके लिए कौन सा मिजाज है इस बात की कमी हमें बंधवाई में ले जाती है। और प्रतिष्ठित लोग, जरा ध्यान से, प्रतिष्ठित लोग, माने जाने लोग, याजक लोग, बुद्धिमान, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के मामले में बहुत ज्ञान अर्जन किया है, वो लोग जो है ना, बाइबल कहती है कि ऐसे लोग भूख से मरते हैं। कौन सा भोजन है ये? ये कोई शारीरिक भोजन नहीं है, पराठे अंडे। ये वो भोजन है जिस भोजन को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। जमीन क्या भूलिए, उस भोजन को जो परमेश्वर हमें देता है। आज हम बड़े बड़े ज्ञानियों को सुनते हैं, सर ऐसी बात बताते हैं कि जो बोल रहे हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आता, तो सुनने वाले को कहां से आ जाएगा? इसलिए तो ढुल भी मारते हैं बैठे बैठे, ठीक है हाँ। उनको खुद ही नहीं मालूम वो बोल क्या रहे हैं। जब खुद को नहीं मालूम बोल क्या रहे हैं, तो सुनने वालों को क्या समझ में आएगा? प्रतिष्ठित है, परंतु जो बात परमेश्वर के दिल में है ना, उस भोजन को उन्होंने नहीं खाया। प्रतिष्ठा उनके पास है, ज्ञान उनके पास है, सोहरत उनके पास है, जवाबदारियां उनके पास है। याजक है वो, प्रॉफिट है वो, जाने पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, परंतु सवाल ये है उनको परमेश्वर जो भोग मन न देना चाहता, the heavenly feed, feeds, feast, वो नहीं मिल पाने के कारण वे प्रतिष्ठित लोग भूखे मरते हैं। और साधारण लोग, चर्च मेंबर, ये साधारण जो लोग हैं वो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। अब सवाल ये है, प्रतिष्ठा वालों को भूख और साधारण लोगों को प्यास, जबकि पानी और भोजन तो दोनों को चाहिए, परंतु यहां पर साधारण लोगों को प्यास की बात कर रहे हैं। प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। जल का संबंध पवित्र आत्मा से। असाधारण लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको जीवन के जल की अनुभूतियों से अंधकार की शक्तियों ने दूर रखा, क्योंकि वे कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस दिल की बात को नहीं समझ पाए। याद रखिए, ये है समस्या हमारे जीवन के। बाइबल के प्रभु हमें बताता है कि वे व्याकुल हो रहे हैं। इन समयों में हम आपके लिए एक दीपक का काम करेंगे। ये पूरे हफ्ते हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है हम कौन से टॉपिक पर बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले प्रभु, कहाँ से शुरू करें। तो एक बड़ा बड़ा संघर्ष हमारे दिमाग में चल रहा था, कहें तो देखो ये आवाज एक भी तो टॉपिक दे दे, एक लफ्ज बोला ना अपन 15 दिन ऐसे बाईपास कर देंगे। हाँ, पर तू बोल तो सही, ठीक है हाँ। कई बार सुनो जरा ध्यान से, कई बार प्रार्थनाएं भविष्यवाणी बन जाती है। आंटी जी बैठ के वो क्या बोलते हैं, रिबन काटने के पहले प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते अब उनको भी नहीं मालूम क्या किया, नहीं तो पूछ लो, ठीक है। पर उन्होंने एक बात बोली, पवित्र आत्मा कहते पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। मैं बोला क्या पकड़ ले? बोले घोड़ा पकड़ ले, घोड़ा पकड़ ले। बोला घोड़ा तेरी अग्नि की घोड़े भेज। मैं बोला यूरेका यूरेका, मिला रे बाप, तेरा वचन मिल गया, तेरे दिल की धड़कन मिल गई, अपन को गेट में कुछ मिल गया। अब कौन क्या देख रहा था मुझको नहीं मालूम, मैं तो जो देखना था वो देख लिया। हालेलुया, मेरे ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना परमेश्वर के दिल में है, ये ज्ञान लिखा हुआ नहीं है। लिखे हुए ज्ञान से दिमाग
भारी हो जाता है, परंतु परमेश्वर के ज्ञान से दिमाग हल्का हो जाता है। अब तुम पढ़ पढ़ के दिमाग में बिल्कुल मटके समान में वजन बढ़ा लीजिए तो टेंशन तो हो गई होगा, यहां नहीं ये लिखा है, वहां वो लिखा है, और लिखे लिखे में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? परंतु जिसको परमेश्वर के दिल की आवाज सुनाई देती है, एक भविष्यवक्ता ने एक बार अपनी किताब में लिख करके ऐसे कहा, कोई जरूरी नहीं है, सुनो बच्चों, कोई जरूरी नहीं है एक नबी बनने के लिए, एक भविष्यवक्ता बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बाइबल मालूम हो। एक भविष्यवक्ता बनने के लिए बहुत बाइबल की जानकारी की जरूरत नहीं है। एक भविष्यवक्ता बनने के लिए एक लाइन में प्रभु ने क्या बोला, यदि तुम्हारे कान उसको सुनने के लिए योग्य हो गए या आपने उसकी आवाज सुन लिया, तो मान के रखिएगा आपको नबी बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको ढेर सारा बाइबिल का ज्ञान दिया जाएगा, परंतु ये बहुत ढेर सारा बाइबिल का ज्ञान आपके लिए ज्यादा जीवन परिवर्तन का विषय नहीं बनेगा, वरन ये आपके दिमाग के अंदर भंडार बन जाएगा। याद रखिए, हम आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे आपको, धरती के अंदर एक भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, परंतु यह आपका जीवन नहीं बदलेगा, यह आपकी जिंदगी को ज्ञान दे सकता है, भौतिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, बाइबिल का ज्ञान, परमेश्वर के वचन के सिस्टम वाला ज्ञान समझ में आ सकता है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान तो एक अनुभव है, और जो एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आने वाली एक मधुर वाणी को सुन लेता है, उसकी जिंदगी का खेल हो जाता है। शाऊल भी तो जा रहा था घोड़े में बैठे, रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखों में मोती अभी ना होगी, गिर पड़ेगी तो, है ना? और उसके बाद में शाऊल ने कहा, कौन? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत शॉर्टकट एंड पोर्टेबल बात कही थी, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है, दैट्स ऑल। रोशनी गायब, एक ही लाइन सुनना था, यीशु जिसको तू सताता है, बस। उस आदमी को जब तक जिंदगी भर घोड़े पर चला है, वो गधे पर बैठना शुरू कर दिया, जिंदगी भर वो गधे पर चलते रहा, समस्या घोड़े से उतरने में है, नहीं उतरता तो लात मार के गिराता है, पर घोड़े पर बैठना ही सबसे खतरनाक चीज है। प्रभु जी कहते हैं, ए मैं गधे पर बैठ के तेरे को शर्म नहीं आती, तू घोड़े में चल रहा है, जब मैं दूसरे बार आऊंगा तो मेरी सवारी होगी, तू तो पहले ही बैठी है। समझ रहे हैं बात? पहले गधे में बैठो तो प्रभु आपसे आप तुमको घोड़े पर बैठना सिखा, तुम पहले गधे में बैठे हो ना घोड़े में बैठ गया, अरे बाबा सबसे पहले पहली पादान पर पैर रख, तू गधे में बैठना सीख, जब तू गधे में बैठना सीख लेगा तो मैं तेरे को बिठाऊंगा ना घोड़े पर, तू गधे पर बैठा सीखा है ही, सीधे चढ़ूंगा बोले उतर नीचे, पहली सीढ़ी है गधे पर बैठ और दूसरी सीढ़ी है घोड़े पर बैठ, गधे पर बैठे बिना घोड़े पर बैठ लेगा क्या? और मेरे प्रभु को गधे घोड़े से उतारना मेरे प्रभु के लिए सबसे कठिन चीज रहती है। अरे यीशु का बिना एड़ी का पसीना निकल जाता है हमको गधे से उतार, गधे को घोड़े से उतारने के चक्कर में, और जो घड़े जो जो घोड़े से नहीं उतरा वो गधे पर बैठेगा कैसे, आप ही बताइए। अपने को तो ऊंचे पर चलने की आदत है, नीचे में हम बैठ ही नहीं सकते, अब गधा बेचारा चलता है टकस 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 टकस, और घोड़ा चलता खड़बस 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 खड़बस,
और शॉर्टकट एंड पोर्टेबल आदमी है ना जल्दबाजी में हाथ मारने वाले, याद रखिएगा मेरे प्रभु को शाऊल को घोड़े से उतारने में इतनी कसरत करनी पड़ी कि वह न जाने कितनी कलीसियाओं की बर्बादी अपनी आंखों से देखते रहा। एक बात याद रखिएगा, उसी समय गला घोट सकता था जब एक विश्वासी को उसने पीटा था। स्टीफन जैसे लोगों को मिनिस्ट्री पूरा किए बिना उसको धरती से रवाना कर दिया शाऊल ने। मर गया बेचारा स्टीफन। खुदा बाप कहता चोटी पकड़ के आ मैं तेरा कीमा बनाता। बड़ी धीरज के साथ अपनी कलीसिया की बर्बादी और भक्तों की मौत होते हुए देख करके वह शाऊल को देख रहा था कि कब लौटेगा। नहीं लौटा। तब आखिरकार प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, अब इसका इंतजाम करने पड़ेगा। खड़े हो गए सामने सूरज की रोशनी से भी तेज रोशनी। मेरे प्रिय, इंसान को अपनी बुलाहट पर लाने के लिए परमेश्वर को बड़ी कसरत करनी पड़ती है। एक बात याद रखना, आप आए बहुत हैं, परंतु इसमें से किन किन के साथ परमेश्वर शाऊल की तरह बात करेगा और पाउल बना के भेजेगा, ये तो आखिर दिन समझ में आएगा। और आप में से बहुत से लोगों को आज से ही, क्या अंकल यहाँ तो बाथरूम ही नहीं है, नीचे सोएंगे, गर्मी लगती है, एक ही कमरे में इतने ढेर सारे लोग हैं मेड़ बकरी जैसे, मन तो घर लौटने का होता है, मान के रखना कोई राहुल तो तुम्हारे पीछे लगा है, बोलता है चल डेंजर जगह में आ गया है। वो तुमको है भाई ऐसा करेगा, ठीक है, और तुमको बोलेगा चलो घर चलेंगे, चलो घर चलेंगे, चलो घर चलेंगे, चलो घर चलेंगे। अब तुमको झेलना है तो झेलो, और नहीं तो बैग उठाओ और जाओ। आपको मालूम हो गए मेरा प्रभु बड़े धीरज के साथ शाऊल के वापसी लौटने का इंतजार करते रहा। आखिरकार परमेश्वर यीशु मसीह को स्वयं सामने आना पड़ा। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। बहुत कम बोलते हैं परमेश्वर, हमारे जैसे बेवकूफ के समान दो दो घंटा आपके सिर में रखकर के पापड़ नहीं लेते। वेरी शॉर्टकट एंड पोर्टेबल बात है मेरे प्रभु जी की, वेरी शॉर्ट। याद रखिए जिसको वो सुनाई दे देती है एक लाइन का शब्द, एक लाइन में जिंदगी बदल जाती है। यीशु मसीह ने कोई और बड़ा ड्रामा नहीं किया है, बस कहा मैं यीशु हूं जिसको तो सताता है। यदि हमें वो बात मिल जाए तो मुझे कहना होगा जिंदगी ऊपर से नीचे तक आगे से पीछे तक बदल करके परमेश्वर की योजना में खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, परंतु वो रूपांतर तो होना पड़ेगा। बाबा शाऊल को भी तो राजा बनाना चाहता था परमेश्वर। तीन प्रमाण देकर उसने कहा मैं मुझ पर विश्वास कर ले तू प्रधान होगा इज़राइल का। तीन घटनाओं के बाद, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना में यह नबियों का झुंड पहाड़ से उतर रहा था, ये सीधे उस झुंड के बीच में गया और जैसे झुंड के बीच में गया ना हो गया, रूपांतरित हो गया, नबुवत करने लगा, नाचने लगा। जिस समय तू पवित्र पर्वत से उतरने वाले नबियों के साथ जा मिलेगा उसी दिन तू परिवर्तित होकर कुछ और ही हो जाएगा। नो प्रीचिंग, नो प्रीचिंग। शमूएल की बात को कन्फर्म करने के लिए नबियों के दल की जरूरत पड़ी, और जब नबियों का दल उतर के आ रहा था शाऊल जैसे पुराने नियम का शाऊल बने, पुराने नियम का शाऊल, जैसे ही उस नबियों के दल के बीच में गया पवित्र आत्मा ने उसको हेर फेर किया और वह रूपांतरित हो गया, बदल गया और वह नया व्यक्ति बन गया।
यस, वही जगह प्रभु तुमको पहुंचाना चाहते हैं इस दीपक को जलाने के द्वारा, कि तुम भी घोड़े से गिर पड़ो, तुम भी शाऊल के समान नदियों की झुंड में चले जाओ और तुम्हारा रूपांतर हो जाए। तब शाऊल राजा को कहा था, शाऊल को कहा था, जो भी काम करने का अवसर तुझे मिले उस पर लग जाना। जो भी काम करने का अवसर मिले, तलवार चलाने का अवसर मिले, फिलिस्तीनियों से लड़ने का अवसर मिले, इजराइलियों की रक्षा करने का अवसर मिले, योद्धा बलि योद्धा के समान जो भी काम करने की ड्यूटी तुझको मिलेगी ना, उस पर लग जाना। हाँ, रूपांतर के पहले मैंने नहीं कहा जा तू राजा बन गए, दे दे बाबा तुम्हें टोपी इसको और जूता भी दे, अच्छा मोटा चमड़े का, और सीने सीने में भी चांदी की प्लेट बांध दे, दिक्कत तो है भुजंग बड़ी बड़ी बाहें हैं, ऐसा नहीं किया। इवन तो तलवार चलाने के लिए भी परमेश्वर के सिस्टम में जो भी काम परमेश्वर ने तुमको दिया है वहां पहुंचने के लिए रूपांतर सबसे पहली जरूरत है। नबियों के साथ संगति में बदलाव सबसे पहली जरूरत है। गाना गाने वालों, तुमको गाने से पहले रूपांतर की जरूरत है। झाड़ू लगाने वालों, तुमको परमेश्वर के भवन में झाड़ू लगाने से पहले रूपांतर की जरूरत है। दान देने वालों, तुमको दान देने से पहले रूपांतर की जरूरत है। गाना गाने वालों, तुमको गाना गाने से पहले रूपांतर की जरूरत है। पर्चा बांटने वालों, तुमको पर्चा बांटने से पहले रूपांतर की जरूरत है। और एडमिनिस्ट्रेटर करने वालों, एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले तुमको रूपांतर की जरूरत है। व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू to support his kingdom, it's a first requirement is the transformation of our life. यदि आपने रूपांतर के काम को अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर के किसी और भी उद्देश्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चल पड़े तो ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। We are not going to have a great success in our life without the transformation of our life. पोछा लगाने वाला भी जब तक पवित्र आत्मा से ओतप्रोत ना हो जाए परमेश्वर आपके पोछे लगाने को स्वीकार नहीं करेगा। रूपांतर, जबकि पुराना नियम तो लड़ाई वाला था ना, तो नबियों के साथ में शाऊल के रूपांतर की क्या जरूरत थी? हाँ? अब जबरदस्ती हम सेवा में डट गए तो प्रभु कहता है डटे रहे, अपने आप में डटे रहे, मैं नहीं जाता तेरे साथ। शाऊल भी परमेश्वर का बहिष्कार कर दिया, 40 साल की सेवा में 15 साल वो प्रभु का हाथ पकड़ के चला, बाकी प्रभु भी ना वो राज्य कर दिया। राज्य चलेगा प्रभु बिना, परंतु प्रभु के साथ चलने के टाइम पर बाइबल का प्रभु कहता है मैं तेरे को ना कांच कोरी भी नहीं लगने दूंगा, भटकटैया कटारे के कांटे नहीं लड़ेंगे तुझको, बिकॉज यू आर लिविंग अंडर माई सब्जेक्शन, यू आर अंडर द कॉल ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई नन ऑफ द एनिमी कैन हार्म यू, एक भी दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है जीवन ज्योति के पीछे असंख्य लोग लगे परंतु तो कोई झंडे को हिला नहीं पाया, हिलाने वाला खुद ही। कई आए महारथी कई चले गए, हम तो बैल बंडी में बिना पंचर बनाए चल रहे हैं। याद रखिएगा, दर्शन पर खड़े रहना, रूपांतरित दशा। हमारे समान कई लोग थे जो शौक फरमाने चले, प्रभु को पीछे छोड़ दिए। इफ समवन इज केयरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज ओन लाइफ, मैं बीवी से भी नाराज हो जाता हूं तुमसे माफी मांग लेता हूं, सच्चे बीवी आर सो कॉन्शियस इन माई पर्सनल लाइफ। हाँ, जरा सा बोल में गलती हो जाए तो क्षमा मांगना पड़ता है, विचार में गलती हो जाए तो क्षमा मांगना, गलत सुन लिया तो क्षमा मांगना पड़ता है।
रूपांतर का मेंटेनेंस होना चाहिए, दर्शन आपके साथ बना रहेगा। इफ यू विल कंसीव द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू बी लूज योर कॉल ऑफ गॉड विच गॉड हैज प्लांटेड इन हिज ओन हार्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर। आपकी जिंदगी को कोई नहीं ला सकता, आपके व्यापार को कोई नहीं ला सकता, आपकी संपत्ति को कोई नहीं ला सकता, आपके औहदे को कोई नहीं ला सकता, आपकी कामकाज को कोई नहीं ला सकता, आपकी डिग्निटी को। अरे भैया, कान का बाला या सोने का छल्ला गोबर में गिर गया, बेचारा गया पूरा पचक से, गोबर समझता है। अरे गाय की चिचड़ी, गोबर में यदि कान का बाला गिर गया तो लोहा बन जाता है क्या? उसको धोके देखो ना, वो सोना ही ना रहेगा। वो भी चला जाए, वो सोना की सोना ही रहेगा। उस पर जितनी मट्टी डालना है खोद के निकालो और एक बार पानी में धो तो वो ओरिजिनल ही रहेगा, डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा कीचड़ में गिरने के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मजाक करते हैं, ठीक है, एक वीडियो हमारे पास में आया तो उसमें चाइनीज था, कोई चाइनीज चाइना का है ना चपटी ना।